कोविड-19 महामारी के कारण ये साल हम सबको याद रहेगा। इस महामारी के कारण हम सबको उन सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ा जिसके बारे में हम सबने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारे देश की इकोनॉमी का जो बुरा हाल हुआ वो अलग, कितने तो बिजनेसेस पर इसका इफेक्ट पड़ा। ऐसा ही एक इफेक्ट ऐसी कंपनी पर पड़ा जिसके साथ ना जाने हमारे कितने सारे बचपन की यादें जुड़ी हैं, एटलस साइकिल से। साइकिल की सीटें मैन्युफैक्चर करने से शुरुआत करके एटलस कंपनी ने अपनी पहली साइकिल सन 1952 में बनाई थी। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 1 से बढ़ाकर 120 साइकिल हर दिन मैन्युफैक्चर करने तक पहुंचाने में सफल होने के बाद ऐसा भी वक्त आया जब वह हर साल करीब 30 लाख से ज्यादा साइकिल मैन्युफैक्चर कर रही थी। एटलस साइकिल्स उन चुनिंदा कंपनीज में से थी जो काफी कम समय में एक बड़ा ब्रांड बन चुकी थी। साल 1958 में अपना पहला ओवरसीज असाइनमेंट सेंड करने के बाद एटलस के संस्थापक ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1965 तक एटलस हमारे देश की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर एस्टेब्लिश हो चुकी थी, जिसके बाद साल 1978 में एटलस ने भारत में पहली रेसिंग बाइसिकल इंट्रोड्यूस करी थी, जो कि भारतीय बाजार के अनुकूल एक नया प्रोडक्ट था जो एटलस ने बाजार में उतारा था। एटलस साइकिल के बढ़ती डिमांड के कारण और बढ़ते खर्चों के कारण कंपनी ने अपना खुद का स्टील ट्यूब मिल प्लांट गुड़गांव में लगाया, जिससे उनके खर्चों में वृद्धि आनी शुरू हो गई, जिसके कारण वह अपने बढ़ते खर्चों के कारण भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बने रहने में सक्षम रह पाए थे। एटलस ने अपनी साइकिल्स के अलाइनमेंट को चेक करने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू करा था जिससे वह हाइड्रोलिक क्लैंपिंग, इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग एंड डिस्प्ले का इस्तेमाल कर अलाइनमेंट में अराउंड 0.1 mm के एरर को भी पकड़ पाने में कामयाब हो सकते थे। एटलस साइकिल्स अपने शानदार साइकिल्स के कारण और हमारे देश में बड़े एक्सपोर्टरों में से होने के कारण वह काफी अवार्ड से भी सम्मानित करे गए हैं, जिसने हमारे देश को ग्लोबली एक पहचान दिलाने में अपनी खास भूमिका निभाई है, जैसे कि FICCI अवार्ड फॉर बेस्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इटली के गोल्ड मर्क्यूरी इंटरनेशनल अवार्ड एंड प्रेस्टीजियस EEPC अवार्ड फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस और भी बहुत। एटलस साइकिल्स एशियन गेम्स के ऑफिशियल साइकिल सप्लायर थे, जो इवेंट नई दिल्ली में हुआ था साल 1982 में। एटलस साइकिल्स के संस्थापक श्री जानकी दास जी कपूर का ही सपना था अपने देश के लोगों को ऐसे दाम पर साइकिल्स मुहैया कराना जिससे वह अफोर्ड कर सके और अपनी कंपनी के नाम को देश दुनिया तक फैलाना वह कामयाब तो हो सके, लेकिन यह सपना भी इस महामारी के आगे नहीं टिक पाया। एटलस साइकिल्स ने देश का अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस साल 3 जून को बंद कर दिया, जो कि सहभाग में मौजूद था, जिसके कारण करीब 1000 से ज्यादा लोग जिसके कारण बेरोजगार हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड अपने व्यूज हमें कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा।